हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शबाना'स अमेजिंग किचन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है दिल्ली वाले छोले। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक कप छोलों को रात को 2 कप पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। सुबह हम इसे कुकर में डालेंगे और इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती की एक पोटली तैयार करके इसमें रख देंगे। साथ ही हम 2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसमें 1-2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। 2 इसमें बड़ी इलायची डालेंगे। 2 तेज पत्ता ऐड करेंगे। 4 से 5 लौंग के पीस हम इसमें डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून साल्ट का हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसे हम लिड लगाकर उबलने के लिए रख देंगे। 4 सीटी आने के बाद हम इसे उतार लेंगे और अब हम पैन गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें 3 चम्मच ऑयल के डाल देंगे। आप जितना खाना प्रेफर करते हैं आप ले सकते हैं। इसमें हम 1/4 टीस्पून अजवाइन की ऐड कर देंगे। साथ ही 1/4 टीस्पून हम इसमें राई की ऐड करेंगे। जब राई चटकने लग जाए तो हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही 1 प्याज की प्यूरी जो मैंने तैयार कर ली है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट हम भून लेंगे। फिर इसमें 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर तैयार की हुई हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। जब हमारे टमाटर फ्राई होने लगे तो इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर का ऐड कर देंगे। साथ ही 1 चम्मच हम धनिया पाउडर का ऐड करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से भून देंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम छोले मसाले का ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून अमचूर का ऐड करेंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून हम नमक का ऐड कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि छोलों में भी हमने नमक ऐड किया है। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके इसे और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इस पर हम लिड लगाकर इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर इमली का पल्प ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर से भून लेंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाले का ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही कसूरी मेथी का ऐड कर देंगे। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें अपने उबले हुए छोलों को ऐड कर देंगे। ध्यान रखेंगे उसमें जितना पानी था, 1/2 कप के लगभग इसमें पानी था, वो भी हमने छोलों के साथ ही डाल दिया है और इसे लिड लगाकर कम से कम 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अब इसमें हम हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड करेंगे, कुछ अदरक की जूलियंस ऐड कर देंगे और कुछ 3 से 4 हरी मिर्च को बीच में से काट कर इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारी डिश सर्व करने के लिए रेडी है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।